हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं मेरा चैनल जीएसडी सर में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जो मोयल लिमिटेड मैकेनिचोर इंडिया लिमिटेड का जो शॉर्ट नोटिस पहले आया था उसके बारे में आज आ गया है उसका फुल डिटेल नोटिस। उसके बारे में हम देखेंगे कि क्या क्या है उसमें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंट डेट कब है, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हैं, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सब क्या रखा है, क्या क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, कौन कौन सा पोस्ट के लिए है और सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, कितना फ़ी पेमेंट करना पड़ेगा आपको और आप कैसे अप्लाई करेंगे, हाउ टू अप्लाई, तो ये सब देखिए हम देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। देखिए ये है मोयल, जैसे आप जानते होंगे पहले इसको मैंगनीज ओर इंडिया लिमिटेड बोला जाता था, अभी उसको मोयल बोलते हैं। ये एक मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अंडर में आता है, ठीक है। लार्जेस्ट मैंगनीज प्रोड्यूसर है कंट्री का, हम लोग का, इंडिया का। और इसका 11 माइंस है, आपका महाराष्ट्र स्टेट एंड मध्य प्रदेश स्टेट मिला के वहाँ पे उसको 11 माइंस है। तो वहाँ पे वो जनरली उसका एक फेरो मैंगनीज प्लांट भी है 12,000 मेट्रिक टन का, ठीक है। तो ये उसके डिटेल इसके बारे में है। तो ये जो एप्लीकेशन आप डालेंगे, देखिए आपका किसके लिए है, सिलेक्टेड ग्रेड माइन फोरमैन के लिए है, देन ट्रेनिंग सिलेक्टेड ग्रेड माइन फोरमैन के लिए है, माइन फोरमैन के लिए है, इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, माइनिंग मेट और ब्लास्टर के लिए जनरली ये नोटिफिकेशन निकला है एडवर्टाइजमेंट। तो देखते हैं डिटेल, पहले देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट डेट देख लीजिए आपका, क्या बोलते हैं, आज से स्टार्ट हो गया है 25th से, देन आपका लास्ट डेट है जो है 15 सितंबर वेडनेसडे को है वो लास्ट डेट। तो इसी के अंदर ही आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो यह है उसका इम्पोर्टेंट डेट। देन देखते हैं क्या है उसका क्वालिफिकेशन एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। देखिए आपका क्वालिफिकेशन क्या रहना चाहिए, पहला जो पोस्ट है हम लोगों का माइन फोरमैन वन, उसके लिए 4 पोस्ट है, वैकेंसी कितना निकला है, 4 पोस्ट है। क्वालिफिकेशन क्या चाहिए आपको, SSC पास चाहिए आपको, ठीक है। आप SSC पास होने से आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ आपके पास वैलिड फोरमैन सर्टिफिकेट होगा जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड चाहिए, अनरेस्ट्रिक्टेड फोरमैन सर्टिफिकेट चाहिए। और एक्सपीरियंस आपका, एक्सपीरियंस 6 साल का एक्सपीरियंस, 6 ईयर का एक्सपीरियंस फोरमैन सर्टिफिकेट के बाद, ठीक है, मिला के नहीं, उससे पहले आप कितना किए वो मतलब नहीं है। एक बार आपका फोरमैन सर्टिफिकेट आ गया है उसके बाद 6 साल के बाद आप एलिजिबल हैं। और एज मैक्सिमम 40 ईयर्स तक ये लोग अप्लाई कर सकते हैं। स्केल ऑफ पे कितना रहेगा, 11,700 से आपका 21,900 तक स्केल ऑफ केयर उसका स्केल रहेगा, ठीक है। देन ये नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो है आपका सिलेक्टेड ग्रेड माइन फोरमैन के लिए या ट्रेनिंग सिलेक्टेड ग्रेड माइन फोरमैन के लिए, इसके लिए जनरली आपको क्वालिफिकेशन रहेगा डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग, ठीक है। तो डिप्लोमा माइन सर्वेइंग एंड माइनिंग ये दोनों आप किए हैं तो मतलब आप डाल सकते हैं, ठीक है। देन 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस चाहिए, जनरली आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस माइन फोरमैन होने के बाद, डिप्लोमा के बाद माइन फोरमैन 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। मैक्सिमम एज आपको होना चाहिए 45। इसका पे स्केल है 12,200 से 23,000 तक स्केल ऑफ पे है। एंड डिप्लोमा इन माइनिंग एंड माइन सर्वेइंग खाली कोई किया है तो फ्रेशर के हिसाब से भी वो इसमें एलिजिबल है और इसमें अप्लाई कर सकता है, लेकिन उसको 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड में वो रहेगा जब तक कि उसका कॉम्पिटेंसी फोरमैन एग्जम्पशन बेसिस में नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे बोला गया है कि आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। देन आपका देखिए ये तो एच रिलैक्सेशन उसका है। देन आगे आपका जो जानना है आपको माइंड मेट का, माइंड मेट का क्या है, माइंड मेट का देखिए वो इसके लिए 13 पोस्ट है, इसका मैं बोलना भूल गया, इसके लिए कितना पोस्ट देख लीजिए। सिलेक्टेड माइंड ग्रेड के लिए आपका 9 पोस्ट है, 9 पोस्ट, ठीक है, 9 पोस्ट है। और आपका माइनिंग मेट के लिए आपका है 13 पोस्ट है। इसके लिए चाहिए क्वालिफिकेशन SSC पास और आपके पास वैलिड माइन मेट सर्टिफिकेट होगा जो कि अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है,
एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, 3 ईयर्स माइंड मेट सर्टिफिकेट होने के बाद, मैक्सिमम एज 40 एज है। ओके, स्केल अप पे इसका देखिए 10,600 से लेके 19,000 तक, 19,000 तक उसका स्केल अप पे है। देन और एक देखते हैं ब्लास्टर का, अभी ब्लास्टर का देखते हैं, इसके लिए भी 12 पोस्ट निकला है ब्लास्टर के लिए। SSC पास, ब्लास्टर सर्टिफिकेट कॉम्पिटेंसी अनरेस्ट्रिक्टेड होना है, 1 साल ब्लास्टर के हिसाब से कहीं पे भी आप माइनिंग ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे तो एनफ है। इसका स्केल ऑफ पे है 10,300 से 18,100, ठीक है। देन आपका इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर, कोई इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल के लिए देख लीजिए, 8 पोस्ट निकला है। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कोई किया है तो वो वैलिड, उसके पास इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट है। देन 3 साल का एक्सपीरियंस है तो उसका भी वो एलिजिबल है, वो भी अप्लाई कर सकता है। उसका पे के लिए इतना है स्केल ऑफ पे। और ये कोई फ्रेशर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल पास आउट हुआ है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। ओके, देन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि कोई मान लीजिए ये तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, कंपनी का कोई इंटरनल नहीं है, तो इंटरनल में भी कोई पोस्ट वैकेंट होगा जिसमें फिलअप नहीं हुआ होगा, तो उस केसेस में भी ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू वो पोस्ट वैकेंस है तो उसको भी हम वो ले सकते हैं। मतलब मान लीजिए इंटरनल का 10 पोस्ट निकला है, उसमें से इंटरनल में 8 फिलअप हुआ है और 2 पोस्ट नहीं है, तो खाली है, वैकेंट है, तो ये जो रिक्रूटमेंट निकला है ना, इसमें वो 2 पोस्ट को ऐड भी कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा जनरली आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल कर लेगा, क्वालिफिकेशन और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, उसके बाद कंप्यूटर एक CBT टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन में टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन में टेस्ट होगा। तो वो आपको उसके बाद क्या होगा, वेरिफिकेशन होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, देन शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा जो भी नेक्स्ट अपॉइंटमेंट उनको दिया जाएगा। तो देखिए उनका टेस्ट सिटी जहाँ पे टेस्ट होगा दिल्ली, वहाँ पे ये सब सिटी में टेस्ट होगा, ऑनलाइन टेस्ट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद, नागपुर, जयपुर, भोपाल एंड बेंगलुरु, तो ये सब जगहों पे आपका टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा। CBT टेस्ट होगा। देखिए जनरली CBT टेस्ट क्या है, उसका सिलेबस देख लेते हैं एक बार। सिलेबस है आपका, देखिए ये 90 मिनट का टेस्ट है, इम्पोर्टेंट 90 मिनट का टेस्ट है, जिसमें MCQ टाइप क्वेश्चन होगा 100 मार्क का, ठीक है, 100 मार्क का होगा, 90 मिनट आपको दिया जाएगा, जिसमें GK जनरल नॉलेज आएगा 10 मार्क का, रीजनिंग आएगा 10 मार्क का, ठीक है, आपका GK आएगा कितना, 10 मार्क, रीजनिंग आएगा 10 मार्क, सब्जेक्टेड नॉलेज जो भी आपका माइनिंग है तो माइनिंग, सर्विंग है तो सर्विंग, ठीक है, आपका दूसरा कुछ है माइनिंग मेट में तो जो भी माइनिंग है तो माइनिंग, इलेक्ट्रिकल है तो इलेक्ट्रिकल, उसमें बाकी आपका 80 मार्क आएगा, ठीक है, 100 मिनट से 80 मार्क्स। सो क्वेश्चन पेपर बहुत हिंदी इंग्लिश में रहेगा, जिसमें आपका प्रेफरेंस आप दे सकते हैं। देन द इंग्लिश वर्सन इस क्वेश्चन से लिए वैलिड एंड फाइनल, तो क्वालिफाइंग मार्क एंड कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट इज, जो भी है क्वालिफाइंग मार्क देख लेते हैं कितना लेने से आप क्वालिफाइंग हो जाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए। क्वालिफाइंग मार्क है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का, जनरल या EWS के लिए 50% आपको लेना पड़ेगा, नहीं मतलब 100 मार्क्स से 50 मार्क आप लाएंगे तो क्वालिफाई कर जाएंगे। SC ST OBC के लिए 40% मार्क आपको लाना है, मतलब 40 मार्क आपको लाना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका CBT का, तो जो भी शॉर्टलिस्टेड होगा उसके हिसाब से फिर बाद में वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। ओके, एंड एप्लीकेशन फ़ी देखिए, एप्लीकेशन फ़ी आपको कितना देना पड़ेगा ये फॉर्म डालने के लिए, जनरल OBC का मैं बोल रहा हूँ, और उसके लिए 50 रुपीज़ पे करना पड़ेगा, ऑनलाइन में पेमेंट करना पड़ेगा। और SC ST EWS को ये तो उसके लिए एग्जेम्पशन है, उसको पेमेंट कुछ देना नहीं पड़ेगा, वो फ्री में कर सकता है, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा SC ST EWS के लिए। ओके, देन नेक्स्ट देखते हैं अपर एज लिमिट, जैसे भी गवर्नमेंट का जो भी नॉर्म है उसके हिसाब से एज लिमिट ये दिया गया है। OBC के लिए 3 साल रहता है, SC ST के लिए 5 साल, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल रहता है जनरली। ओके, रिजर्वेशन छोड़ दीजिए, मैं बोल दिया रिजर्वेशन का। देन नेक्स्ट देखते हैं अदर डिटेल कोई है तो, मतलब कैंडिडेट में भी पोस्टेड एनीवेयर, जो भी महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में कोई भी डिफरेंट प्लेसेस में उनका माइंस है उस हिसाब से उनका प्लेस मतलब पोस्टिंग किया जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन मेडिकल ऑफिसर उनका जो है उनके हिसाब मेडिकल ऑफिसर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन करेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करेंगे फॉर्म को, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा आपको, उसके लिए गाइडलाइन दिया गया है, देखिए एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन पेमेंट फीस डॉक्यूमेंट्स स्कैन एंड अपलोड, ये 3 चीज़ आपको
ABC करके करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अप्लाई करने से पहले ये आपको जानना जरूरी है, इम्पोर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड बिफोर रजिस्ट्रेशन, स्कैन कैसे करेंगे, स्कैन सिग्नेचर आपको स्कैन करना पड़ेगा, इसका साइज ये रहेगा, और सिग्नेचर ब्लैंक इंक में करना पड़ेगा आपको, ब्लू इंक नहीं, ब्लैक, ब्लैंक इंक में, लेफ्ट जो थंब देंगे, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन देंगे ना, वो ब्लैक ब्लू जो इंक में होने से भी चलेगा। एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, हाथ में लिखा हुआ डिक्लेरेशन, मैं दिखाऊंगा कैसे आपको, देखिए वो वाइट पेपर में ब्लैंक इंक में करना है, ठीक है, ब्लू नहीं ब्लैंक इंक में आपको करना है, टेक्स्ट वाइट टेक्स्ट में, देन इसको ठीक भर ठीक से स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा। सिग्नेचर को कैपिटल लेटर में कोई भी नहीं करता है, आपको मालूम होगा सबको, ठीक है। देन लेफ्ट थंब देखिए जैसे प्रॉपरली स्कैन किया हुआ होगा। देन ये जो टेक्स्ट दिया है ना, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको मिस मत कीजिए, ये जैसा लिखा है वैसा ही आपको लिखना है। सपोज I- आपका नाम जो भी है, XYZ, hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document and when required. ठीक है, तो मेरा नाम ये है, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ये जो भी इंफॉर्मेशन दिया गया है वो सटीक दिया गया है मेरी तरफ से, और जब भी ज़रूरत पड़ेगा तो मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा कर सकता हूँ, ठीक है। ये आपको लिखना है, इसको भी आपको देना है, ठीक है, तो ये भी लिख करके स्कैन करके रखिए। देन ईमेल आईडी, ये तो जनरल सब रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे लिखे डिटेल दिया गया, आप एक बार देख लेंगे। ये एडवर्टाइजमेंट पोस्ट कर दूंगा मेरा टेलीग्राम चैनल पे, आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर सकते हैं, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो, और वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, ठीक है। देखिए एप्लीकेशन ये है आपका, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे डिटेल दिया गया है इसमें, आप एक बार देख लीजिए कैसे कैसे है, इसको देख के आप फिलअप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को कमेंट कीजिए, कमेंट में लिखिए, ठीक है। और ये स्कैन करके आपको ऑनलाइन मोड में फिर पेमेंट करना पड़ेगा, SC/ST EWS को छोड़ के बाकी सबको 50 rupees देना पड़ेगा। आप डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं, जो एल एच आपका इंटरनेट बैंकिंग और ये सब जिससे आप कर सकते हैं, ठीक है। करने के बाद सबमिट हो जाएगा, मैंने ये अपलोड का भी और एक बार दे दिया है तो इसको एक बार देख लेंगे कैसा करना है बोल के, ठीक है। तो जनरली ये थंब का इंप्रेशन का भी हो गया, आपका स्कैनिंग का भी हो गया, तो ये जब सब चीज़ करके आपको डाल देना है ऑनलाइन, तो आज ही मतलब अभी देख रहे हैं तो अभी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, जितना जल्दी कर देंगे उतना अच्छा है। देन प्रिपेयर कीजिए एग्ज़ाम के लिए जो भी एलिजिबल है, तो ये बहुत अच्छा मौका है, मोयल एक बहुत रिप्यूटेड कंपनी है, मिन रत्न कंपनी है। वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रेस द बेल आइकन, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और टेलीग्राम चैनल में अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।